अभी हम सीकर ज़िले के दोद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद हैं। ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बेसिकली जाट स्ट्रॉन्ग होल्ड है। यहाँ पे यहाँ की पॉपुलेशन, कास्ट पॉपुलेशन में 50% से ज़्यादा जाट कम्युनिटी के लोग हैं और ये पूरी तरह से एक एग्रीगेरियन सोसाइटी है। अभी यहाँ के जो सेटिंग MLA हैं वो BJP के गोवर्धन वर्मा हैं। ये CPM का स्ट्रॉन्ग होल्ड भी है। यहाँ से CPM के कैंडिडेट पेमा राम हैं। किसानों के मुद्दे बहुत हैं, किसान को भाव नहीं मिलता और किसान कर्ज तले दबे जा रहा है, कर्ज उसका हर साल बढ़ता ही जा रहा है, घटता नहीं है, मेहनत पूरी करनी पड़ती है। कुओं में जल स्रोत है वो बहुत गहरा चला गया, उस यानी बहुत सी जगह तो ये हालत होगी कि कुओं में जल स्तर ख़त्म भी हो गया। यहाँ किसानों के लिए जो भी सरकारें आती हैं, चाहे कांग्रेस आए चाहे BJP आए, वो कुछ कर नहीं रही है। कहने का मतलब वो दिल से नहीं कर रही है। हाँ, चुनाव में किसान बहुत याद आते हैं, सभी पार्टियों के आते हैं। काफ़ी दिनों से क्या है कि जैसे BJP गवर्नमेंट बनती है या MLA दूसरी पार्टी का होता है, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है या MLA दूसरी पार्टी का होता है। अब की बार अगर सत्ता से जुड़ेंगे तो यहाँ विकास की नदियाँ बह जाएगी, गंगा बह जाएगी। इस उम्मीद से लोगों ने BJP के यहाँ के जो कैंडिडेट है उसको खूब वोटों से, मतलब काफ़ी अंतर से विजयी बना के भेजा था। लेकिन यहाँ से जाने के बाद में 5 साल में धोध का जो विकास है, मतलब होना तो दूर की बात है, जो हो रहा था वो भी रुक गया। यहाँ न तो सड़क है, पानी की समस्या है, बिजली की भी समस्या है, स्कूलें हैं जो गवर्नमेंट ने अभी बंद की है पूरे राजस्थान में, की यहाँ भी गांव में स्कूलें हैं वो बंद हुई है। यहाँ STM कार्यालय है, तहसील कार्यालय है, केवल नाव के कार्यालय हैं। यहाँ भवन बना दिया, उसका फीता काट के उद्घाटन कर दिया, लेकिन आज तक न तो यहाँ कोई अधिकारी बैठता है, न कोई कर्मचारी, न किसी का यहाँ कोई काम हो रहा है। सरकार ये कहती है कि जो GST लगा है, GST जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं, खेती पे को GST से अलग रखा गया है, इसमें कितनी सच्चाई है? खेती से कुछ अलग नहीं रखा गया है, सभी जो खेती के पार्ट्स हैं उस पर GST लगता है 18%। अच्छा। जैसे एक फुहारा है, किसान खरीदेगा उसका 18% व्यापारी दे के आता है और वो किसान से 18% लेता है। अभी तक बीच में सुना था कि 12% हुआ, पर कहीं 12% नहीं, 18% ही लगता है। 1950 मतलब रेट निर्धारित की हुई है, लेकिन बाजरे की गवर्नमेंट की तरफ से भाई ऐसा कोई केंद्र बनाया हो जहाँ बाजरा बिकता हो समर्थन मूल्य पर, केवल बाजार में जो बढ़िया मंडी में जो व्यापारी वर्ग है वही खरीदते और वो अपनी मर्जी से ही खरीदते हैं। वो किसी प्रकार के जो गवर्नमेंट रेट है उसका कोई उनसे लेना देना नहीं, वो तो अपने मन से ही भाव लगाते हैं। किसान का जैसे खाद महंगा हो गया, अभी 1200 रुपया था वो 1450 रुपया हो गया, DAP का भाव 300 रुपया कट्टा पे बढ़ गया, और बाजरा का तो वही भाव है जो पुराना भाव था, मजदूरी बढ़ गई किसान की। रोडवेज नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा। और BJP माने आश्वासन दे के राजस्थान रोडवेज की बसेस नहीं चलती है, नहीं है। हाँ, सब बच्चे, वसुंधरा ने बोला मीटिंग के माने के बच्चों की नौकरी, सबकी नौकरी दूंगा, बच्चा तिराई तिराई कर रहा है, कोई मदद नहीं की मन BJP, गवर्नमेंट की कोई सुविधा नहीं है। सड़क का है, सड़क नरेगा में बनाता सीकर से धोध, 8 साल पहले पेमा राम ने बनवाया था नरेगा मजदूरों के द्वारा, उसके बाद में आज तक इस पर कुछ किया ही नहीं है कोई काम, जगह जगह गड्ढे पड़े हैं। शौचालय के सरपंच है, गांव के सरपंच, विधायक, ये अपना आप लिख लिया, पूरा गांव अनोखम ही बन गया, जस्सू प्रेम बन गया, सरुड़ी में बन गया, धोध में बन गया, हमारे तो बना ही नहीं, ऐसे भर लेगा फार्म, सबकी लिख के दे दी, बन गया। आपके ओवरऑल बिजनेस पे क्या फर्क पड़ा है इस महंगाई के बढ़ने से? नहीं, जैसे एक तो पोस्ट मशीनें लागू कर दी, इसमें क्या है कि नेट का खर्चा है, इसका खुद का मेंटेनेंस का खर्चा है, ये बढ़ गया व्यापारी के। इसके अलावा 45 किलो का बैग कर दिया, अब ट्रांसपोर्टेशन में क्या है कि 50 किलो का बैग में गाड़ी की जो ऊंचाई है वो कम जाती थी। 45 किलो का बैग किस चीज़ का? यूरिया का। यूरिया का 45 किलो का बैग आ रहा है, वजन उतना ही है लेकिन उसको क्या है गाड़ी में ऊंचा ज़्यादा जाता है। अब पुलिस वाले वो गाड़ी वालों को परेशान करते हैं कि आपके ओवरलोड है वगैरह है। अब पहले जैसे DAP 1150-1200 रुपये में मिलता था, अब 1450 रुपये हो गया। किसानों ने 15 दिन तक सड़क रोका, उसके बाद में आश्वासन दिया था कि पूरे किसानों का पैसा माफ होगा,
कर्ज माफ होगा, 25% किसानों का कर्ज मिला है, 75% को कर्ज नहीं हुआ, क्योंकि सबका सहकारी बैंक से नहीं था, 25% किसानों का ही था, बाकी अदर बैंकों से था, उनका पैसा माफ नहीं हुआ। नोटबंदी किया सरकार ने, उसके बहुत सारे अलग अलग लॉजिक्स दिए गए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, क्या आप जैसे व्यापारियों पे इसका क्या असर पड़ा? नहीं, पहले लोगों के पास पैसे थे, अब वो इधर उधर से लेके अपना काम निकाल लेते थे। अब ये 2 साल हो गए नोटबंदी को, अभी हो जाएंगे 2 साल, इस टाइम में लोगों के पास पैसे है ही नहीं। जैसे हमारा जो बिजनेस है उसमें क्या है कि हम उधार भी करते हैं, लोगों को अभी पैसे है नहीं, जैसे ही फसल निकालेगा उनके पास पैसे आएंगे, हमारा हिसाब कर देंगे। इस हिसाब से अब लोगों के पहले से ही पैसे मांग रहे हैं, उनका हिसाब हुआ नहीं, अब उनको दोबारा बोने का टाइम आ गया तो उनके पास पैसे है ही नहीं, दे कहाँ से। हम बोलना यही चाहते हैं कि जो भी नेता आता है और स्टेज पे आके खड़ा होकर बोलता है, प्रिय ग्रामवासियों, युवा साथियों एवं बुजुर्गों, मैं आपके गांव में हॉस्पिटल बना दूंगा, कॉलेज बना दूंगा, टंकी बना दूंगा, गंदगी हटा दूंगा, गरीबी मिटा दूंगा, और जब कुर्सी एक लड़ने वाले 10 है, क्योंकि 10 कुर्सी होती तो लड़ाई भी नहीं होती, एक कुर्सी के लिए तो लड़ते हैं, कुर्सी पर बैठने बाद में वो भूल जाता है, बैठने के बाद में कि मैं उस गाँव में क्या बोल के आया, उस गाँव में क्या बोल के आया। तो मेरा कहने का मतलब तो ये, वोट तो अपना हाथ में है, जिसको मर्जी आए उसको दो, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जीतने के बाद में वो वापस घूम के नहीं बोलता है। तो हिंदुस्तान महानगर का अजीब हाल है, पानी की दिक्कत है, बिजली की समस्या है, थोड़ी बरसात आती है तो सड़कें कीचड़ से भर जाती है, सड़कों पे चलना दुश्वार होता है। एक दिन एक मेमोरेंडम टाइप करवाया, लोगों का हस्ताक्षर भरवाया, जाके PWD इंजीनियर को थमाया, बोला जनाब हमारे हिंदुस्तान का ये हाल है, आपने हॉस्पिटल बनाने का, कॉलेज बनाने का, ये बनाने का वादा किया था। तो हम लोगों को जवाब वहाँ क्या मिलता है कि बोला जनाब आप जैसे लोग मिलते हैं कहाँ, कीचड़ में तो कमल के फूल खिलते हैं, 5 साल पूरे होने तो फिर वादे तैयार है, तो वादा वादा करता है, सरकार कुछ निभाती तो नहीं है। आप क्या 3 कैंडिडेट हैं, त्रिशंकु लड़ाई है यहाँ पे चुनाव में, BJP के कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और CPM के कैंडिडेट हैं कॉमरेड पेमा राम, तीनों में इस बार जनता के बीच कौन ज़्यादा पॉपुलर लीडर है? पॉपुलर पेमा राम जी मदद करता है किसान की, और हम तो उनको ही देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, मैं तो हम सरू से देता रहा, हमारी थोड़ी बहुत वो ही सुनता है, और कोई मेरी सुनता नहीं है। सरकार में नहीं है तो ही सुनाई करता है वो, सरकार में नहीं है तो किसान की समस्या वो रात को भी सुनता है, सरकार नहीं सुनती है पेमा राम सुनता है। ऐसा तो नहीं है कि चूंकि आप CPM को वोट देते आए हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं उसके समर्थक? ना, ऐसा नहीं है, वो हर समय किसान के साथ में है, मजदूर किसान के साथ में रहता है और बाकी कोई किसान के साथ में नहीं रहता। स्ट्रॉन्ग लीडर तो देखिए लगने में तो लग रहा है, क्या नाम आपका, कांग्रेस के मोरदिया जी, क्योंकि वो कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने किया क्या आज तक जहाँ कहीं भी रहे हैं? गोवर्धन है, वो भी बेचारा पहले प्रधान था, अब मान लो वो MLA है, अब उसकी जितनी भी कोशिश हुई, जो भी है दो समिति में जो कुछ भी करवाया उसको मिला सो किया, लेकिन तो किसान हित में लड़ाई नहीं लड़ी, इन दोनों ने नहीं लड़ी है। कम्युनिस्ट पार्टी बराबर किसान हित में लड़ती है, जब भी कोई तरह की परेशानी आती है किसानों के प्रति लड़ते हैं। पिछले साल BJP गोवर्धन को दिया, अच्छा हम गोवर्धन को जीतने बाद गमा शक्ल ही नहीं देखी, कहाँ रहता है, हमारे कन आया ही नहीं, और हमको हर काम कमान को सड़क नहीं बनाई, कोई रोडवेज नहीं चलाई, कोई पानी की सुविधा नहीं करी, कोई टाबरू की नौकरी की नहीं करी, हमारे कोई क्या का कोई साइन कराना हुआ तो नट गया, कल करूँगा परसों करूँगा, तो हम उनको वोट नहीं देंगे। तो उसको देख लिया ना 5 साल 4.5 साल है, क्या हुआ उसको हमने देख लिया, परख लिया, इन्होंने परख लिया, भाई हमें क्यों, ये बैठे हैं सभी, देखो आपके पास सब युवा हैं, इन्होंने देख लिया भाई हमें क्या हुआ, नौकरियां जो निकाली वो कोर्ट में फंस गई, अभी जो नौकरियां निकाली हैं 26,000 थर्ड ग्रेड की निकाली थी, क्या हाल है इसका, आपको तो मालूम है सब, आप हमसे क्यों पूछ रहे हो? देखो हमारे अंदाज से तो हमने तो जब तक परखा है तो परखने के टाइम में हमें तो पेमा राम ही काम आया है, तो हम तो दुनिया के बारे में हम नहीं बताता है कोई किसी को वोट दे या नहीं दे, लेकिन मैं खुद अपना वोट के बारे में बात करता हूँ, चाहे आसमान इधर का उधर हो जाए, लेकिन पेमा राम के अलावा मैं वोट नहीं दूंगा किसी को।